हेलो गैस, कैसे हो आप? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जी गैस, आज की मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ व्हाट्सएप यूज करते हो। आप सोच रहे होंगे मेरी व्हाट्सएप की जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसकी फुल A to Z सेटिंग अप्लाई हो जाए। अगर आप A to Z सेटिंग व्हाट्सएप की सेटिंग अप्लाई कर देंगे तो सामने वालों की भी फुल खुल के रख सकती हो। अगर कोई भी फ्रेंड आपका व्हाट्सएप चलाता है और वो सोच रहा है ये सर आपने ये सेटिंग अवेलेबल कैसे कर ली, जी गाइस यही इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा। जी गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम आदित्य कुशवाहा और आपका फिर से मेरे टेक टेक्निकल लेके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलो गाइस, गैर टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करने वाला आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपको सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको चैट पे क्लिक करना है। चैट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो थीम है यहाँ पे, थीम आप थीम भी कोई भी लगा सकते हो। डार्क रखना चाहते हो तो डार्क रखोगे। मैं हाइलिंग हालांकि मैं डार्क नहीं रखूँगा, मैं लाइट ही रखूँगा। जी गाइस, लाइट लग के लें। जैसे थीम सेट करके दूसरे नंबर पे आते हो वॉलपेपर, यहाँ पे वॉलपेपर भी आप कोई भी वॉलपेपर ऐड करके यहाँ पे, जैसे मैंने पहले से ऑलरेडी मैंने वॉलपेपर को ऐड कर रखा है, इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ या आप चेंज करना चाहते हो इस पर चेंज के आइकन पर क्लिक करना। चेंज के आइकन पर क्लिक करना, देख सकते हो बात जो भी फ़ोन में फ़ोटो हैं तो इस पर आ जाएंगे। और आप सोच रहे हैं मेरा फ़ोटो शो हो, इस पर माई फ़ोटो पे क्लिक करना। माई फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आप गैलरी में, अपनी गैलरी में आ जाओगे। फ़ोन की गैलरी में कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करके अच्छा सा आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। जी गाइस, व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली कोई भी फ़ोटो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डाउनलोड के आइकन पर जो भी आपने डाउनलोड रखा है वह फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करना है। आपको डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। मैं ये वाले फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। ये वाले फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप पे होम स्क्रीन पे फ़ोटो सेट होने वाला है। ये देख सकते हो सेट वॉलपेपर, सेट वॉलपेपर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरा सेट वॉलपेपर पे व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर मेरा फ़ोटो शो हो गया। जी गाइस, मैं आपको सिंपली ऑलरेडी दिखा देता हूँ बैक करके। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी मेरा शो हो गया है वॉलपेपर, व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पर मेरा फ़ोटो ऐड हो चुका। पहले से कुछ और था, कुछ और रहेगा। आपको सिंपली तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे मैं। जी गाइस, तीसरे टॉपिक पर बात करने के लिए मैं देख सकता हूँ इंटर टू सेंड, यहाँ पे जो भी आप इंटर करते हो, जो भी आप सेंडिंग, जो भी आप जैसे आप किसी बंदे से चैट करते हो, कोई भी फ्रेंड आपका चैट करता है, जैसे आप किसी फ्रेंड से चैट करते हो आपको ऊपर का इंटर नज़र आता है, आप नीचे भी इंटर करने के लिए शो होगा। जी गाइस, आप नीचे भी इंटर कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इसे अनेबल कर दिया, आपके फ़ोन में ये अनेबल होगा, इसे प्लीज़ बंद होगा, इसे ऑन कर लीजिए। मैंने इसे ऑन कर लिया। देख सकते हो दूसरे से टॉपिक पे बात करने वाले हम मीडिया विजिबिलिटी से, इसको आप ऑन करेंगे। देख सकते हो जो भी आप फ्रेंड है, जो भी आपका फ्रेंड है कोई भी फ़ोटो भेजे, आप सोच रहे मेरा फ़ोटो गैलरी में शो, जीएस इस आपको आपका ये ऑप्शन ये जैसे लेवल होगा फिर उसे अनेबल कर देना, तो भी आपका फ़ोटो डायरेक्टली कोई कलर भेजे और डायरेक्टली वो गैलरी में शो हो जाएगा। देख सकते हो अगले टॉपिक पर बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक करना। देख सकते हो मीडियम, यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे लेंज लार्ज हो जाएगा। इस पर मैं फिलहाल स्मेल रखूँगा। स्मेल रखने के बाद देख सकते हो कीप चैट एयरचिप्ड पे क्लिक करना। देख सकते हो जो भी आपकी फ्रेंड है, एक जो भी फ्रेंड है, आप सारे फ्रेंड एक ही क्लिक में एयरचिप्ड में हाइड में कर देंगे। ठीक है, तब देख सकते हो मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो मेरा भाई सोनू भाई, इस पर मैं एयरचिप्ड पे देख सकते हो, इस पर एयरचिप्ड चैट पे क्लिक कर देता है। देख सकते हो मैंने एयरचिप पे क्लिक करके छोड़ दिया है।
देख सकते हो, एडिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो मैंने जो ऐड किया था वो सर मेरे भाई इधर आ गए। जी गाइस, अगले टॉपिक पे मैं आपको बात करने वाले ऐप लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज की जो भी आप भाषा चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश डेमेट है तो हिंदी कर सकते हो। देख सकते मेरी हिंदी यहाँ पे तो हो गई है, हिंदी शो करने के लिए मैं फिलहाल इंग्लिश ही रखूँगा, मैं इंग्लिश इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगले टॉपिक पे मैं आपको बात करने वाले हैं चैट बैकअप। जो भी आप चैट करते हो यहाँ पे एक ही क्लिक में आपकी सारी चैट बैकअप यहाँ पे सारी एक ही क्लिक में बैकअप चैट हो जाएगा। जी गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आपका गूगल अकाउंट, यहाँ पे गूगल अकाउंट है आपकी का है, गूगल अकाउंट किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं है तो देख सकते हो फुल इंफॉर्मेशन के साथ मेरा व्हाट्सएप अकाउंट किसी ने हैक तो नहीं कर लिया। आप तो यहाँ से देख सकते हो आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी ने हैक नहीं कर लिया, फिलहाल मेरा ये भी व्हाट्सएप अकाउंट है। जी गाइस, अगले टॉपिक पे बात करने वाले में चैट स्टोरी पे क्लिक करने में देख सकते हो आपको चैट स्टोरी पे इस पर आ जाएंगे। चैट स्टोरी पे एक के बारे में आपकी चैट स्टोरी, जो भी आपके फ्रेंड है, जितने भी फ्रेंड है उसकी सारी चैट स्टोरी यहाँ पे एक ही बार में क्लीन हो जाएगी। मेरी चैट स्टोरी क्लीन हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो चैट डिलीट ऑल चैट, यहाँ पे डिलीट ऑल चैट एक बार में डिलीट ऑल चैट है, यहाँ पे एक बार में डिलीट ऑल चैट हो जाएगा। जी गाइस, आशा करता हूँ मैं आपको बहुत प्रयास किया व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग अप्लाई करने के लिए। जी गाइस, A to Z सेटिंग अप्लाई करने के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है आपको, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, क्योंकि जब भी इस तरीके का वीडियो बना तब तक सबसे पहले नोटिफिकेशन को मिले। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गुड बाय। प्रेस करें बेल आइकन और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले।